एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। माय नेम इज शिफाली और अब बैक टू बैक्स मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, शायद आप लोगों को भी देखकर अच्छा लग रहा होगा क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने अब ब्लॉग्स बनाना शुरू किया है। तो आई होप अब मैं ब्लॉग्स कंटिन्यूटी में रखूँगी अपने यूट्यूब पर। और सबसे पहले आप लोग कैसे हों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, हिमाचल में इतनी गर्मी हो रही है तो आई थिंक नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का तो मैं कुछ कह नहीं सकती। साउथ में तो शायद मानसूनस आ गए हैं और नॉर्थ में आते आते काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पे भी एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर दो तीन दिन में गर्मी हो तो बारिश हो जाती है। और लास्ट ब्लॉक में मेरी आपने देखा होगा, जब मेरा अभी लास्ट ब्लॉक था उसमें बारिश हुई थी तो हल्का सा ठंडा हुआ था, फिर दिन में गर्मी हो गई थी। और आज भी सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, कल भी बहुत गर्मी थी, आई थिंक परसों सुबह हुई थी बारिश और दो दिन बहुत गर्मी हुई तो फाइनली अभी बारिश होने लग पड़ी और अब मेरा जाने का टाइम आ रहा है तो बारिश हो रही है। मुझे कल कुलगांव जाना है और आज शाम को मौसम ठीक हो गया तो थोड़ा राहत मिली मुझे कि मुझे ठंड थोड़े ठंडे ठंडे से मौसम में मुझे बाय बाय करेंगे सारे। तो वैसे इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी कि सोना मुश्किल हो गया था। इतनी गर्मी कभी हुई नहीं आज तक, पता नहीं इस बार क्या हुआ कि हिमाचल में भी इतनी गर्मी हो गई, स्पेशली धर्मशाला और पालमपुर में। वो तो बहुत बड़ा एक शॉकिंग था कि पालमपुर और धर्मशाला में गर्मी हो रही है, वो भी टेम्परेचर 29, 30, 32 तक गया है मैक्स। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको सुहावना मौसम और उसके बाद फिर चाय पीऊँगी, चाय के बाद फिर मैं पैकिंग करना शुरू कर दूँगी, वही पैकिंग वाली रूटीन। अब गुड़गांव जाके वो ख़त्म होगी मेरी पैकिंग वाली रूटीन। चलो अभी आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। तो ये देखो काले काले बादल मंडरा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पेड़ लगे थे पहले, तो जब मैं लास्ट टाइम रहने आई थी यानी कि अप्रैल में, तो इतना ज़्यादा तूफान आया जिससे कि यहाँ पे इतना बड़ा पेड़ लगा था वो नीचे गिर गया। यहाँ पे थैंक गॉड कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमारी ये दीवार नहीं टूटी, अदरवाइज हमें तो लग रहा था कि सुबह उठ के हम देखने वाले हैं कि हमारी ये पूरी दीवार टूट के नीचे गिर गई होगी, हमारे प्लांट्स सारे ख़राब हो गए होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे जब हमें पेड़ वो गिरा, हमें लगा कि और भी 3-4 पेड़ से उससे हमारा शेड भी टूट सकता है, हमारा गाड़ी को भी नुकसान हो सकता है, हमारी टाइल्स टूट सकती है, फिर हमने ये सारे पेड़ जिनके थे उनको बोल दिया ये कटवा दिए। तो अब यहाँ पे क्लीन हो गया एकदम, अदरवाइज यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। तो ये रहा मौसम और बारिश अभी शुरू हुई है, हो रही थी धीरे धीरे। और इतनी ये जो अर्थ इतना ड्राई है कि देखो थोड़ी थोड़ी सी अभी बारिश हुई तो वह एकदम से सूख गया, टाइल्स वाइल्स सब सूख गई, इतनी ड्राइनेस थी। अब होप्स हो कि अच्छे से बारिश हो जाए तो थोड़ी राहत मिलेगी। ये बन रही है हमारी शाम की चाय और ये अभी मम्मी बनाएंगे करेले भरवा, ये देसी खीरा है और ये मटीरियल। अब भरवा करेले का टाइम मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी रेसिपी कैसे बनती है, फिलहाल तो हम चाय पी लेते हैं। तो चाय पी के मैं अभी आ गया अपने रूम में ऊपर, ऊपर वाली स्टोरी में मेरा रूम है ऊपर और मम्मी पापा नीचे, मेरा और मेरे भाई का। ऊपर इतनी गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ऊपर, पर ये पहाड़ों में ये होता है कि अगर दिन में गर्मी है तो रात को ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो अगर विंडोज़ ओपन है तो आपका रूम ठंडा हो जाएगा। तो जैसा अभी अब मैं सोचूं कि मैं पैकिंग कर लूं और बारिश तो हो ही नहीं, ज़रा सी बारिश हुई, दिखाती हूँ अभी बाहर क्या। ये सारे कपड़े मैंने धो के यहाँ रख दिए, अब मैं इनको पैक करूँगी और बहुत सामान होता है पैक करने, कुछ इसी में ही है, कुछ वहाँ पे रखे हैं मैंने, अभी वो तो सारे बच्चे ही हैं। तो अभी बाहर का दिखाती हूँ आपको, बाहर क्या है, ऐसे ही बादल आ रहे हैं और बारिश होने रही है, धूप भी निकल आई अब तो शाम वाली, सनसेट वाली हल्की हल्की। और देखो ये यहाँ पे भी मम्मी ने फूल लगाए हुए हैं, ये देखो कितना प्यारा सनफ्लावर,
सनफ्लावर ही है ना ये, शायद पता नहीं सनफ्लावर ही। और ये जो प्लांट है ये है अमरूद का पौधा। ये जब मैं छोटी सी थी तो मम्मी ने लेकर आए थे, तब ये इतना सा था, और जिसने हमें दिया तो उन्होंने बोला था इसमें छोटे छोटे अमरूद आएंगे। ये बस जैसे जैसे हम ग्रो हुए ये भी ग्रो होता गया, बट इसने आज तक हमें कोई फ्रूट नहीं दिया, आज तक नहीं आया इसमें। मैं देखती आ रही हूँ कि कभी तो कभी आएगा, तो आज तक तो नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। बाकी ये सब है, और ये भी लगे हैं कुछ, और ये जहाँ तक बाउंड्री वॉल दिख रही है यहाँ तक पूरी हमारी ज़मीन है, हमारा एरिया है, और वहाँ पे शायद आपको दिखेगा नहीं, यहाँ से नहीं दिखेगा, क्लैरिटी नहीं है। तो वहाँ पे भी पापा ने कुछ लगाया है, प्लस यहाँ पे भी कुछ कुछ लगाया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास भी निकल आया है। मम्मी को टाइम नहीं मिल रहा है तो मम्मी ने ऐसे यहाँ पे बैंगन लगे हैं, यहाँ मिर्चें लगी हैं, वहाँ पे अरबी के पत्ते लगाए हैं। अरबी के पत्ते तो बहुत फेमस है ना हमारे हिमाचल में। और ये अमरूद आ गए, ये अमरूद आ गए, और प्लस ये वाला जो है ये एप्पल का ट्री है, ये वाला एप्पल, इसमें पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। लास्ट टू लास्ट का एक ब्लॉग मैंने शायद बनाया है मॉम्स किचन गार्डन, वो प्लीज़ ज़रूर देखिए। उसमें बड़े अच्छे मम्मी ने गार्डनिंग की है, उसको देखना है। पर उसके बाद फिर टाइम पता नहीं, लास्ट ईयर भी नहीं हुए क्योंकि इतनी बारिश हुई कि फसल सारी ख़राब होगी। और इस बार भी बारिश काफ़ी हुई, मई में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जिसके कारण बहुत फसल ख़राब हुई। और देखो अब इतना वेजिटेशन हो गया है यहाँ पे, अब इसकी कटिंग करेंगे मम्मी को जब टाइम मिलेगा। और ये देखो ये भी है हमारा बैकयार्ड, इसमें भी मम्मी ने, ये नींबू का ट्री है, ये गुआवा का है, प्लस यहाँ पे और नाशपति का भी था, पता नहीं वो अब मम्मी ने निकालना दिया हो, और वहाँ पे तो बहुत से फ्लावर है। और ये है हमारा छोटा सा गलेज, इस ये रोड जो गया, ये वाला रोड जो गया, ये विलेज की तरफ गया, और इसके आगे बहुत बड़ा विलेज है, मैंने भी नहीं देखा। और ये वाला घर जो दिख रहा है ये मेरी चाची का घर है, उसके सामने सड़क है, रोड है, और हमारा घर जो है वो बिल्कुल रोड के साथ है। और उससे इस घर से उस साइड सड़क है, उसके आगे हाँ मेरी दादी का घर है। तो ये सब है, और ये ऊपर की स्टेयर्स है, ऊपर भी आपको दिखाई देती हूँ, ऐसा मेमोरी मुझे याद रहेगा कि हाँ मैंने अपना घर पूरा देखा। यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा, और वाह यहाँ तो मैं आई नहीं, ये देखो यहाँ से है व्यू, अभी यहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ थे ना ये सब कट गए, उसके कारण सब थोड़ा दिखने लगा है हमें कि पहाड़ भी है, नहीं तो पूरा ऐसा लगता था जंगल 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 जंगल। और बड़े ज़्यादा बंदर आ चुके हैं, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ये पानी की टंकी है, इनकी तरफ मत देखना, इतनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, और नीचे इतनी गर्मी लग रही है जहाँ पे रूम है, पर यहाँ इतनी ठंड है। ये देखो ये दोनों लड़ती रहती है, पूरा पूरा दिन लड़ती रहती हैं। ये मेल है और ये फीमेल है, बस इनकी बहस बसाई होती रहती है। और ये मेरे रूम से व्यू है, अभी शुभम इसको घुमा रहा है बाहर। तो ये अभी भरना करेले बनाए जा रहे हैं, और ये अभी मम्मी ने इसको छील लिया है, इसका बैटर भी तैयार कर रही है, कर लिया है शायद, कर लिया है कि कर लिया करेंगे अभी, कर लिया है, कर लिया है, अच्छा
तो यहाँ पे है, पता नहीं क्या बन रहा है। और ये रात के लिए दाल चढ़ा दी मम्मी ने। अब ये जब बनते हैं तब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दाल, यहाँ पे भी दाल, वहाँ चावल, दाल, दोनों डालें। चलो ठीक है, गई है। अब थोड़ा सा हैंडबैग के में जो सामान लगा वो रह गया। और ये मेरी छोटी सी किचन, लाइट ऑफ किया अभी मैंने। ये हमारी बर्ड्स का घर। और ये चिड़ी चिड़ी पता नहीं क्यों डाली है, चाह रही है कि अब मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ और ये सो जाए, इनका सोने का टाइम हो रहा है। तो मैं दिखाती हूँ, डाइनिंग पे खाना भी रेडी हो गया, मम्मी ने बना दिए करेले। तो ये बन रहा है करेलों का बाटर। प्याज, लहसुन, अदरक और क्या डाला मम्मी, अमचूर। और ये रहे करेले, ये मम्मी ने पहले फ्राई किए और उसके बाद इसका बाटर बोला। अब उसके बाद मम्मी इसको ठंडा होने देंगे, फिर मम्मी इसमें भर देंगे सारा बाटर। जब फाइनल बन जाएंगे तब मैं दिखाऊंगी। और ये मम्मी कुछ फ्राई कर रहे हैं चावल। बस खाना बना बन गया और अब हम सुबह की तैयारी कर रहे हैं। सुबह हम लोग यहाँ से 6 बजे निकल जाएंगे और हम 10 बजे दिल्ली पहुँच जाएंगे। चलो अब डिनर का टाइम होगा। डिनर में मम्मी ने दाल चावल यही बनाया है। अब हम मैं मिलती हूँ आपको सुबह। सुबह रेडी होके मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी और दिल्ली पहुंच के इसको ख़त्म करूंगी। चलो अब मिलते हैं अगली सुबह। ये करेले रेडी हो गया सुबह के लिए, ये है भरवा करेले। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी, सब पैकिंग वैकिंग हो गई है। हाँ बस अब निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में। और अब मैं आपको गगन एयरपोर्ट दिखाऊंगी। वैसे मैंने बहुत बार दिखाया है, फिर से मैं ये ब्लॉग शूट करूँ तो एक बार मैं फिर से आपको गगन एयरपोर्ट बताऊंगी। तो चलो मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। गगल, जिसके नाम से गगल एयरपोर्ट बना है, ये सारा गगल मार्केट है गगल। अंदर का एयरपोर्ट है, बहुत छोटा एयरपोर्ट है। तो अभी हमारा चेकिंग हो गया और हम लोग अंदर एंटर हो गया वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट में। सो दिस इज एयरपोर्ट।
ये है हमारी फ्लाइट स्पाइस जेट की, और ये देखो फर्स्ट टाइम मैं बेबी को लेके जा रही, तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि फ्लाइट में कैसा एक्सपीरियंस रहेगा मुझे नहीं पता। आई होप मेरी जर्नी बहुत अच्छी रहे बेबी के साथ, जो मेरा फियर है वो गलत हो, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अभी तो मैंने इसको सुला दिया है, बट ड्यूरिंग लैंडिंग एंड ड्यूरिंग टेक ऑफ जो भी अपने बेबी को लेके जा रहे हैं इन्फेंट, प्लीज फीडिंग करवाएँ, बॉटल की फीडिंग या पेसीफायर रखें, सो डैट कि जो बेबी के एयर्स में प्रेशर पड़ेगा वो ना पड़े। और कॉटन भी एयर्स पर लगा दे, तो मैंने तो लगा दिए, अब देखो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो मिलते हैं आप दिल्ली में। यहाँ से तो अभी हम लोग लगेज लेने लगे हैं 10, दिस इज टर्मिनल 1 सी, अभी लगेज आना नहीं है हमारा। तो अभी मैं और ये वेट कर रहे हैं लगेज का, और ये देख रहा है कि आज क्या हो गया है, ऐसा क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया हूँ। बेटा आप आज गुड़गांव आ गए हो? गुड़गांव आ गए हो? तो अभी सामान आ गया है और हम लोग जा रहे हैं अब बाहर, लेकर बाहर वेट कर रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैंने इसको ड्यूरिंग टेक ऑफ ड्यूरिंग लैंडिंग मैंने इसको बॉटम वेट के लिए लगा दी थी ताकि वो प्रेशर ना बने और इसके कान बंद ना हो, और इसने भी ज़्यादा परेशान, ज़्यादा कैसे परेशानी नहीं किया, बट अब ये परेशान कर रहा है। तो आई होप मेरा ये ब्लॉग अच्छा रहा होगा, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस विद माय बेबी इन फ्लाइट बहुत अच्छा रहा। आई होप जो भी जिसका भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा बेबी के साथ, उनका भी अच्छा रहे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मिलेंगे विद ए न्यू ब्लॉग। बाय, टेक केयर, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।